नमस्कार मित्रों मित्रों आज हम अपने कुछ दर्शकों की मांग पर शरीर और उसकी मांसपेशियों के दर्द के कारण और उपाय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों हमारे शरीर में मांसपेशियों की काफी जटिल प्रणाली होती है और इन मांसपेशियों में कभी भी दर्द उठ सकता है, जिसके कारण बदन में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। यह एक सामान्य समस्या है जो ज्यादातर अत्यधिक या एकदम ज्यादा काम करने के कारण उत्पन्न होती है। मित्रों अधिकतर यह दर्द काम करने के बाद 12 से 48 घंटे के लिए बना रहता है। इसके कारण बदन और मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द होता है, थकान महसूस होने लगती है और व्यक्ति अपने रोजाना के सामान्य काम भी नहीं कर पाता। मित्रों यदि आपको मांसपेशियों और शरीर में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आपको खूब पानी पीकर अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। यदि आपके शरीर में पानी की कमी रहेगी तो मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी और उनका चोटिल होने का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर भी अपनी मांसपेशियों के दर्द और बदन दर्द को ठीक कर सकते हैं। आइए मित्रों जानते हैं इन उपचारों के बारे में। मित्रों सबसे पहले कोल्ड पैक, प्रभावित क्षेत्र में कोल्ड पैक लगाने से दर्द और इन्फ्लामेशन कम होता है। कोल्ड पैक का ठंडापन दर्द वाले स्थान को शून्य कर देता है, जिससे बदन दर्द कम महसूस होता है। मित्रों कोल्ड पैक बनाने के लिए एक पतली टॉवल में कुछ बर्फ के टुकड़े बांध लें। अब इसे दर्द वाले स्थान पर 15 मिनट के लिए रखें। इसे हर घंटे दोहराएं जब तक कि दर्द ठीक न हो जाए। आप टॉवल की जगह सिकाई करने वाले बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मित्रों गर्म पानी की डुबकी, मित्रों गर्म पानी शरीर के रक्त संचार को बढ़ा देता है, जिससे दर्द वाले जगह में हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। लेकिन इस उपचार को दर्द शुरू होने के 24 घंटे बाद ही इस्तेमाल करें। मित्रों अपने बाथ टब को गर्म पानी से भर लें और उसमें एक कप सेंधा नमक घोल लें। सेंधा नमक में मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को आराम प्रदान करता है। अब अपने पूरे शरीर को इस पानी में 20 मिनट के लिए डुबोए रखें। इस उपचार को लगातार 2 से 3 दिन के लिए रोज 2 बार करें। मित्रों टार्ट चेरी अर्थात खट्टी चेरी, एक्सरसाइज करने के बाद होने वाले बदन और मांसपेशियों के दर्द को ठीक करने में टार्ट चेरी काफी मददगार होती है। 2010 में स्कैंडिनेवियन जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार टार्ट चेरी में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो इंफ्लेमेशन और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। रोज एक्सरसाइज या भारी भरकम काम करने के बाद 1.5 कप टार्ट चेरी का सेवन करें। आप 1 कप टार्ट चेरी के जूस को बिना चीनी मिलाए भी सेवन कर सकते हैं। मित्रों हल्दी, हल्दी एक शक्तिशाली दर्द निवारक और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करती है। 1 कप दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाएं। अब इसे हल्की आंच में गर्म करें। इसे चाय की तरह धीरे धीरे सेवन करें। इसका सेवन रोज 2 बार करें या फिर ताजे पिसे हुए हल्दी के पाउडर में समान मात्रा में नींबू का रस और नमक मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब इसे दर्द वाली जगह पर 30 मिनट के लिए लगाकर रखें और फिर गर्म पानी से धो लें। इसे रोज 2 बार दोहराएं जब तक कि दर्द पूरी तरह से ठीक न हो जाए। मित्रों अदरक, अदरक एक प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है और शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे बदन दर्द कम करने में काफी मदद मिलती है। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के द्वारा की गई स्टडी में यह पाया गया कि रोज कच्चे या पके हुए अदरक का सेवन करने से एक्सरसाइज या अत्यधिक काम काज के कारण हुई मांसपेशियों का दर्द ठीक होता है। 4 चम्मच ताजा पिसे हुए अदरक को 1 कॉटन के कपड़े में टाइट बांध लें
अब इसे एक मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोएं और दर्द वाली जगह पर 15 मिनट के लिए रखें। इस उपचार को लगातार 2-3 दिन 3-4 बार करें, या फिर एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच अदरक का रस और सेब का सिरका और थोड़ा सा शहद मिलाकर रोज सेवन करें। इसका सेवन कम से कम 7 दिनों के लिए रोज करें। तो लाल मिर्च में एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो मांसपेशियों के दर्द, कठोरता और इंफ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है। मित्रों, 3 चम्मच जैतून के तेल में 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को दर्द वाली जगह पर लगाएं। अब ऊपर से साफ कपड़ा बांध कर इसे रात भर के लिए लगा रहने दें। इस उपचार को कम से कम 2-3 दिन के लिए करें, या फिर 1.5 कप नारियल के तेल में 5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को हल्का गर्म करें और 24 घंटे के लिए रख दें। 24 घंटे बाद तेल को छान लें और एयर टाइट जार में डालकर रख लें। रोज 2-3 बार इस तेल से अपनी मांसपेशियों की हल्की हल्की मालिश करें, या फिर रोज अपने भोजन, सलाद या सूप में लाल मिर्च को डालकर सेवन करने से भी फायदा मिलता है। मित्रों, मेहंदी के पत्ते सूखे हो या ताजे, दोनों ही प्रकार के मेहंदी के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मांसपेशियों को आराम प्रदान करती है और बदन दर्द को कम करने में मदद करती है। 100 ग्राम सूखी मेहंदी के पत्तों को 8 कप पानी में मिलाकर उबालें, फिर इसे 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद दर्द वाले अंग को इस मिश्रण में 15 मिनट के लिए डुबो कर रखें। इस उपचार को 2-3 दिन के लिए रोज 2-3 बार करें। मित्रों, सरसों का तेल एक नेचुरल रूबेफेशिएंट होता है, जो स्किन की सरफेस में रक्त के संचार को बढ़ा देता है। इससे मांसपेशियों की कठोरता कम हो जाती है, उनमें रक्त संचार बढ़ जाता है और दर्द कम होने लगता है। मित्रों, 10 लहसुन की कलियों को 6 चम्मच सरसों के तेल में तब तक गर्म करें जब तक कि उनका रंग सुनहरा भूरा न हो जाए। अब इसमें छोटा सा कपूर डाल दें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर छान लें। अब इस ऑयल से अपनी दर्द वाली जगह पर हल्के हल्के मालिश करें। इसे रोज 2-3 बार दोहराएं। तो केला, ऐंठन के कारण हुई मांसपेशियों और बदन दर्द को ठीक करने में केले को काफी फायदेमंद माना जाता है। केला में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम की कमी के कारण मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, ऐंठन होने लगती है और थकान महसूस होने लगती है। मित्रों, बदन और मांसपेशियों का दर्द ठीक करने के लिए रोज पके हुए केलों का सेवन करें। आप केले के मिल्क शेक का भी सेवन कर सकते हैं। यह आपके शरीर को पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम भी प्रदान करेगा, जो स्वस्थ मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है। मित्रों, जब भी आपको बॉडी और मांसपेशियों में दर्द हो तो दर्द निवारक गोलियां लेने की जगह इन प्राकृतिक उपचारों को अपनाएं। यदि फिर भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से जांच कराएं। मित्रों, हमारे चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।